Assalamu alaikum aspirants. Today we are going to start with the subject of history of USA and we will discuss all the outlines topics one by one. And you can download the PDF file by going to the video description. So let's start with the first topic. Introductions from ancient times to 1492 and advent of the Europeans to British supremacy 1492 to 1606. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1492 का साल अमेरिकी तारीख में क्यों अहमियत रखता है और इसके अलावा हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यूरोपियंस की आमद ने अमेरिका में मकामी आबादियों पर क्या असर डाला। कदीम ज़माने से यानी 1492 तक जो इब्तदाई तहजीबें थीं और आलमी तरक्की थी इसके पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि इब्तदाई तहजीबों का अरूज किस तरह से हुआ, कौन से जुग्राफी खसूसियात थी जो इब्तदाई तहजीबों के अरूज में मामन साबित हुई थी। देन हम डिस्कस करेंगे कि कदीम तहजीबों ने समाजी ढांचे और तहरीरी निज़ाम को कैसे तरक्की दी, सल्तनतों और तजारती रास्तों का क्या असर था। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी सल्तनतें इल्म और सकाफत को फैलाने में मुतासर कौन थी। सिल्क रोड ने मशरक़ और मगरब के दरमियान सकाफती तबादले में किस तरह से मदद की थी। यूरोप में यानी वस्ता अहद क्या था, फ्यूडलिज्म क्या था, वस्ता अहद में फ्यूडलिज्म निज़ाम की खसूसियत क्या थी। स्लेवी जंग उन्हें यूरोप और मशरक के दरमियान सकाफती तबादलों पर क्या असर डाला। इन तमाम पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि यूरोपियंस की आमद किस तरह से हुई, फिर उनका डिस्कवरी का दौर था, तलाश का दौर था जिसमें 1492 से 1606। तो इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोपी तलाश के मुहरकात क्या थे, कौन से इकतसादी अवामिल थे जिन्होंने यूरोपीय ममालिक को नए तजारती रास्तों की तलाश के ऊपर मजबूर किया। देन हम डिस्कस करेंगे कि मजहबी मकासद ने यूरोपी तलाश पर किस तरह से असर डाला और अहम उनकी तलाश क्या थी, दरियाफ्तें क्या थीं, क्रिस्टोफर कोलम्बस के 1492 के सफ़र का बुनियादी मकसद क्या था, पुर्तगाली जो मलाह थे उन्होंने तलाश के दौर में किस तरह से हिस्सा डाला था। उसके बाद हम इस पॉइंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नवाबादियात का क्याम किस तरह से हुआ और उसके हरीफ कौन से थे, यानी टोडसल के माहदे ने नवाबादियाती जो दावे थे उनके ऊपर क्या असर डाला था। देन हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को कि कौन से यूरोपीय ताकतें जो थीं वो 1600 की दहाई के आगाज़ में हस्पानवी और पुर्तगाली तसलत को चैलेंज करने लगी थी, बरतानवी तसलत की तरफ मुंतकली जो हुई थी यानी कि 1500 की दहाई में 1606 तक। तो इसमें पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड की बढ़ती हुई बहरी ताकत क्या थी, 1588 में हस्पानवी बाजू की शिकस्त की अहमियत क्या थी, जिस दौर में इंग्लैंड की तजारत और नवाबादियाती कोशिशों में कैसे तौसी हुई थी, आलमी बरतानवी असर रसूख की तरफ मुंतकली कैसे हुई थी, 1606 में जेम्स टाउन कॉलोनी के क्याम की अहमियत क्या थी। तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि मशरक़ के हिंदुस्तानी कंपनी ने बरतानवी मफादात के ऊपर किस तरह से असर डाला था। देन एक नए दौर का आगाज़ हुआ था कि पुराने ज़माने से 1606 तक क्या तब्दीलियाँ आई थीं, यूरोपी तलाश ने मुस्तबिल के नवाबादियाती हरीफों के लिए किस तरह से ज़मीन हमवार की थी। तो इन तमाम टॉपिक्स को हम जो है वन बाई वन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूएसए से। द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज अ कम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड नैरेटिव दैट स्पेंस सेवरल सेंचुरीज मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट इवेंट्स कल्चरल शिफ्ट्स ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज। जो तारीख है अमेरिका की तो ये एक पेचीदा है और कसीरुल जहती एक दास्तान है, मल्टीफेसेटेड एक नैरेटिव है जो कई सदियों के ऊपर मुहित है, जिसमें अहम वाकयात हैं, सकाफती तब्दीलियाँ इसके अंदर मौजूद हैं, इनकलाबी ख्यालात इसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी इब्तदा जो थी वो मकामी लोगों से होती है जिन्हें जो ज़मीन के ऊपर यूरोपी आमद से बहुत पहले आबाद थे, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों की जो नौ आबादी की कोशिशें थी या बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी की जदोजहद थी 1776 में, जो यानी कि जमहूरिया थी उसके क़याम के ज़रिए तरक्की पज़ीर होती है। और द नेशन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाई की मूवमेंट्स सच एज़ सिविल वार, स्ट्रगल फॉर सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, सो ऑल ऑफ विच हैव शेप्ड इट्स आइडेंटिटी। यानी कि 1706 में जमहूरिया के क़याम के ज़रिए तरक्की पज़ीर हुई, फिर कौम की तारीख के अहम लम्हात हैं जैसे कि खाना जंगी है, शहरी हकूक की जदोजहद है, सनती दौर है, आलमी तनाजात को तश्कील देते हैं। तो आज रियासत है मुतहदा एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर मौजूद है जो अपने मतनू आबादी, अपने जारी जो डिस्कशन है उनसे मुतासर है कि इसकी इकदार और दुनिया में क्या किरदार है, ठीक है। सो दिस हिस्ट्री नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द ट्रम्प्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द यंग नेशंस बट आल्सो सर्व्स एज अ लेंस थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कंटेम्पररी अमेरिकन सोसाइटी।
तो इस तरह से जो ये तारीख है ये न सिर्फ एक नौजवान कौम की कामयाबियों और मुश्किलात की अक्कासी करती है बल्कि मौजूदा अमरीकी मुआशरे को समझने के लिए भी जो है एक चश्मा जो है एक लेंस प्रोवाइड करती है। सो इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द रोल ऑफ द सिविलाइजेशन एंशिएंट टाइम टू 1606 कदीम ज़माने से 1492 तक जो इब्तदाई इब्तदा है यानी तहजीब में और आलमी तरक्की किस तरह से इब्तदाई तहजीबों का अरूज क्या था, तहजीबों का गहवारा मेसोपोटामिया मिस्र वादी सिंध और चीन है। सो ट्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन द वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगेन इन रीजंस विच फर्टाइल एंड नियर रिवर्स लाइक टाइग्रेस यूफ्रेट्स नाइल एंड इंडस। इस तरह से जो दुनिया की पहली तहजीब है ऐसी सरजमीनों में शुरू हुई थी जहाँ दरिया जैसे टाइग्रेस है यूफ्रेट्स है नील है सिंध के करीब जरखेज ज़मीनें थी। तो इन तहजीबों ने ज़रात और इसके अलावा सिटी बिल्डिंग यानी शहर बसाने में तहरीरी निज़ाम में और पेचीदा समाजी ढांचे की तरक्की की थी। द डिवेलपमेंट ऑफ द रिलीजन एंड फिलासफी फिर इन तहजीबों ने यानी कि मुख्तलिफ तहरीरी निज़ाम कायम किया था। मजहब और फलसफे की इस दौर में तरक्की हुई थी यानी कि जो एंशंट सिविलाइजेशन थी उसने रूहानी और इखलाकी जो सोच थी उसको तश्कील दिया था जो दुनिया के ऊपर असरअंदाज हुआ। मिसाल के तौर पर मेसोपोटामियाई और मिस्री लोगों ने कसरत प्रस्त जो अकायद थे वो तैयार किए थे जबकि इब्रानियों ने तौहीद जो है वो मुतारिफ करवाई थी। और एंशियंट इंडियन कंट्रीब्यूशन विद हिंदुइज्म बुद्धिज्म में बिसाइड स्पिरिचुअल नॉलेज इन लाइन में तो कदीम भारत ने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में रूहानी इल्म और रोशन ख्याली के ऊपर इनलाइनमेंट के ऊपर जोर दिया था और कदीम यूनान ने फलसफे और जमहूरियत की तरक्की में हिस्सा डाला। उसके बाद इसमें है साइंटिफिक और मैथमेटिकल एडवांसेस यानी साइंस और रियाजी की तरक्की किस तरह से हुई थी। तो जो इब्तदाई तहजीबें थी जिस तरह से साइंस और रियाजी है इसमें अहम पेशरफ हुई थी इस दौर में ठीक है जो मजीद तरक्की की बुनियाद भी बनी थी। और यूनानियों ने जियोमेट्री और इल्म फलकियात का मुताला किया था एस्ट्रोनॉमी का मुताला किया था जबकि भारतीयों ने सिफर और इशारी निज़ाम जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एम्पायर्स एंड ट्रेड रूट्स और इसके बाद सल्तनतें और तजारती रास्तों का क्या असर था एम्पायर्स एंड एक्सपेंशन तो वक्त के साथ साथ फारसी रूमी मौर्या और गुप्ता जैसी जो सल्तनतें थी वो राइज हुई थी और इन सल्तनतों ने इल्म सकाफत और टेक्नोलॉजी को इलाकों में फैलाया। सिल्क रोड एंड स्प्रेड ऑफ द आइडियाज उसके बाद सिल्क रोड जो है वो एक कदीम तजारती रास्ता था जो एशिया को यूरोप से मिलाता था। तो ये ना सिर्फ जो है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स के अकायद का जरिया था बल्कि ख्याल मजाहब और सकाफतों का फैलाव का भी जरिया था। इस्लामिक गोल्डन एज 8th to 13th century तो उसके बाद इस्लामी सुनहरी दौर है जो कि 8वीं से 13वीं सदी तक रहा। तो इस्लामी दौर के अंदर मुस्लिम दुनिया में उलमा ने साइंस में मेडिसन के अंदर और एस्ट्रोनॉमी में अहम तरक्की की थी फिलासफी के अंदर तरक्की की थी प्रिजर्विंग स्पेनिंग और एंशियंट सिविलाइजेशन और इसके अलावा कदीम इल्म को महफूज करते हुए इसमें अजाफा करते हुए इस्लामी तहजीब मशरक़ और मगरब के दरमियान एक ब्रिज बन गई जो यूरोप के बाद के निशात सानिया के ऊपर भी असरअंदाज हुई। दैन हम डिस्कस करते हैं पॉइंट के यूरोप इन द मिडल एजेस एंड फेडरलिज्म यूरोप में वस्ती अहद और फेडरलिज्म फेडरलिज्म का निज़ाम क्या था। तो इसमें जो फेडरलिज्म थी यानी इस्लामी जो तहजीब थी रोमी सल्तनत के जवाल के बाद यूरोप वस्ती अहद में दाखिल हुआ था जिसकी खसूसियत एक फेडरलिज्म निज़ाम से थी जहाँ यानी के जो लॉर्ड्स थे और ज़मीनों के ऊपर वो हुक्मरानी करते थे यानी लॉर्ड्स और जो हाकिम थे जो किसानों के जरिए यानी के ज़मीनें काश्त की जाती थी। देन राइज ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड क्रसेड्स कैथोलिक चर्च का रूज हुआ स्लेबी जंगें हुई उस वक्त जो कैथोलिक चर्च थी उसकी बड़ी ताकत होती थी यानी के जो पोप था वो सियासत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता था और जो स्लेबी जंगें थीं वो मजहबी जंगें थीं जिनमें यानी कि यूरोपी मसीह मुसलमानों से मुकद्दस ज़मीनों को दोबारा हासिल करने की कोशिश करते थे और ये जो कंपेंस थी यूरोप और मशरक़ के दरमियान सकाफती तबादलों को बढ़ाने की वजह बनी ठीक है। सो उसके बाद है निशात सानिया का दौर जो कि 14th से 17th century तक ये दौर था निशात सानिया का। तो इसमें इटली से शुरू होने वाला जो निशात सानिया है वो एक सकाफती तहरीक थी और जिसने इंसानी सोच के ऊपर फन के ऊपर इल्म के ऊपर जोर दिया और इसके अलावा इसमें जो लियोनार्डो दा विंची माइकल एंजेलो जैसे मुफक्किरीन थे उन्होंने यूरोप को तारीख ऐसे निकाला
ठीक है, जिसके नतीजे में फन, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, एज ऑफ द एक्सप्लोरेशन 1492 to 1606। सो द मोटिवेशंस फॉर यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड ट्रेड रूट्स। यूरोपियों की आमद और तलाश का दौर, इक्तसादी मुहरकात और तजारती रास्ते। यूरोपीय ममालिक जो खासतौर पर स्पेन और पुर्तगाल थे, इसमें नए तजारती रास्तों की तलाश में थे ताकि एशिया तक पहुँच सकें और सिल्क रोड के ऊपर महंगे जो वास्ते हैं उनसे बच सकें, यानी महंगे जो रोड हैं उनसे बच सकें। तो उनकी जो यानी कि मिसालें हैं रेशम और बाकी जो कीमती अशिया हैं, उनकी जो ख्वाहिश थी जिसने उन्हें नए समुद्री रास्तों की तलाश की तरगीब दी थी। रिलीजियस ज़ील एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इसके अलावा जो मजहबी जज्बा और ईसाइत का इसके अंदर फैलाव था, यूरोपीय खासतौर पर हस्पानवी और पुर्तगाली थे, नए इलाकों में ईसाइत फैलाने का मजहबी फर्ज महसूस किया। एंड मिशनरी काम अक्सर जो यूरोपीय कंपेन्स थी उनके साथ होता था, जिसका मकसद मकामी आबादी को ईसाई बनाना होता था। मेजर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, क्रिस्टोफर कोलम्बस और अमेरिका का इंकशाफ। क्रिस्टोफर कोलम्बस एंड डिस्कवरी ऑफ अमेरिका 1492। तो कोलम्बस जो हस्पानवी बादशाह के तहत था, यानी मशरक़ की तरफ जो जाने वाले रास्ते थे मगरब की तरफ वो रवाना हुए, मगर इसने कैरेबियन में उतर कर अमेरिकी जो नौ आबादी थी उसकी शुरुआत का आगाज किया। देन पुर्तगीज नेविगेटर्स एंड अफ्रीकन रोड टू एशिया। पुर्तगीज एक्सप्लोर लाइक वास्को डी गामा सक्सेसफुली सेल्ड अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया, ओपनिंग अ डायरेक्ट सी रूट फॉर ट्रेड। कोलंबस जो था वो हस्पानवी बादशाह के तहत जो मशरक की तरफ जाने वाले मगरब की तरफ रवाना हुआ था, उसने कैरेबियन में उतर कर नौबादी की शुरुआत का आगाज किया था। पुर्तगाली मल और अफ्रीका का जो रास्ता है, पुर्तगाली मुहिम जो जैसे वास्को डी गामा ने कामयाबी से अफ्रीका के गिर्द सफर किया था और हिंदुस्तान पहुंचे थे, जो तिजारत के लिए एक बहरास समंदरी रास्ता खोलता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनीज एंड ट्राइबल एरियाज। तो यूरोपियों की जो आमद थी, यानी कि जब यूरोपी आए तो उनकी आमद ने अमेरिका में मकामी आबादियों के ऊपर काफ़ी मुहलिक असरात यानी कि डाले थे, और जिनकी वजह से जो तिबी बीमारियां थी जैसे चीचक है वो मकामी आबादी की तादाद में उसने नुमाया कमी कर दी थी। उसके बाद नवाबादियात का क्याम है, फिर उसके बाद राइवलरीज हैं, हस्पानवी और पुर्तगाली तसलत है, यानी स्पेन और पुर्तगाल ने नई दरियाफत शुदा ज़मीनों को टोरेसल मुआहदे यानी कि 1494 के तहत तकसीम किया था, जिसने अमेरिका अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों को अपने नाम कर लिया था। सो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इब्तदाई नवाबादियाती तसल्लुत था, ये बड़ी हस्पानवी और पुर्तगाली सल्तनतों के उभरने का यानी के बायस बना। एक्सट्रैक्टिंग वेल्थ फ्राम कॉन्क्योर्ड लैंड्स एंड लेबरिंग इंडिजियस पीपल, जो मकबूजा ज़मीनों से दौलत हासिल करती थी और मकामी लोगों से मेहनत लेती थी। राइज ऑफ द इंग्लिश डच एंड फ्रेंच। और उसके बाद यानी के इंग्लिश डच और फ्रेंच का जो है अरूज आया, तो 1600 के दहाई के आगाज में जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी जैसे इंग्लैंड है, हॉलैंड है, फ्रांस है, इसने हस्पानवी और पुर्तगाली कंट्रोल को चैलेंज करना शुरू किया। और ख़ासतौर पर इंग्लैंड और हॉलैंड के जो यानी बेड़े थे वो समंदर के ऊपर कंट्रोल और तजारती रास्तों के असूल के ऊपर मरकोज थे। ट्रांजिशन टू द ब्रिटिश सुपरमेसी लेट 1500 से 1600, ठीक है, यानी कि बरतानवी तसलत की तरफ मुंतकली। इंग्लैंड की जो बढ़ती हुई बहरी ताकत थी हस्पानी बाजुओं को शिकस्त हुई थी 1588 के अंदर। तो 1588 में इंग्लैंड ने हस्पानवी बाजू को शिकस्त देकर एक अहम मोड़ पैदा किया था, ठीक है, जो स्पेन की तसलत को कमज़ोर करता है और इंग्लैंड को बढ़ती हुई बहरी ताकत के तौर पर कायम करता है। एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स। इंग्लैंड की तजारत और आबादी की कोशों में तोसी हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड ने 1600 में मशरकी जो हिंदुस्तान था उसकी एक कंपनी कायम की थी, जो एशिया खासतौर पर हिंदुस्तान में तजारत के ऊपर तवज्जो मरकूज करती है और बरतानी नवाबादियाती तसलत की राह भी हमार करती है। सो अर्ली कॉलोनीज जो थी यानी इब्तदाई नवाबादियात, जैसे कि 1587 में रुआं का तजर्बा था, इंग्लैंड की तरफ से अटलांटिक में तोसी की नीयत का एक इशारा देता है और हस्पानवी असर को चैलेंज करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स ग्लोबल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। आलमी बरतानवी असर रसूख की तरफ मुंतकली। शुमाली अमरीका में इंग्लिश आबादियाँ थी जेम्स टाउन है 1606 के अंदर। तो 1606 में इंग्लैंड ने वर्जीनिया में जेम्स टाउन कॉलोनी के लिए एक चार्टर दिया था, जो शुमाली अमेरिका में इंग्लिश नौबादियात के आगाज की निशानदेही करता है।
और उसके बाद बरतानवी सल्तनत की बुनियादें क्या थी? तो मशरक हिंदुस्तान की कंपनी ने हिंदुस्तान में बरतानवी असर रसूख की बुनियाद रखी, जबकि शुमाली अमरीकी आबादी आलमी बरतानवी सल्तनत की तरफ एक तब्दीली की निशानदेही की। सो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि यह दौर जो था कदीम जमाने से 1606 तक अजीम तब्दीलियों का, बड़ी तब्दीलियों का वक्त है। अर्ली सिविलाइजेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज साइंस ट्रेड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये तदई तहजीबों ने मुनज़्ज़म मुआशरे तजारत और सकाफती तबादले की बुनियादें फराम की। यूरोपी मुहिम जो क़ियामत ने जो आलमी इंट्रैक्शन थी यानी कि ग्लोबल इंट्रैक्शन थी इस और इसके अलावा तजारत तनाजात के लिए यह दौर का आगाज़ किया। द एज ऑफ द एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन ओपन वेस्ट न्यू लैंड्स एंड रिसोर्सेज टू यूरोपियंस व्हाइल आल्सो सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर कॉलोनियलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। तो जो एक्सप्लोरेशन का दौर था वो यूरोपी लोगों के लिए वसी और नई जमीनों और वसाइल को ओपन करता है, खोलता है, जबकि मुस्तबिल की जो नौबादियाती हरीफ हैं और मकामी लोग हैं उनके इस्तेसाल के लिए भी जमीन हमवार करता है। ठीक है, सो 1606 तक इंग्लैंड की जो बढ़ती हुई ताकत थी उसने समंदरों के ऊपर बरतानवी तसल्लुत की जो है वो झलक दिखाई जो सदियों तक दुनिया को मुतासर करेगा। सो कंक्लूड करते हैं इन सदियों में तहजीबों की जो तन्हाई है उससे एक आलमी जुड़े हुए यानी दुनिया में तब्दीली देखी गई थी जिसने ऐसे मौके और तनाजात पैदा किए जो जदीद तारीख की यानी वजाहत करें। सो हमने इंट्रोडक्शन जो डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ द यानी कि यूएसए, तो इसमें हम इसको हम कंक्लूड करते हैं क्वेश्चंस की सूरत में कि हमने क्या डिस्कस किया आज की वीडियो में। 1492 का साल अमरीकी तारीख में क्यों अहमियत रखता है, हमने डिस्कस किया कि 1492 का साल अमरीकी तारीख में इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इस साल को क्रिस्टोफर कोलम्बस ने नई दुनिया यानी अमेरिका का दरियाफ्त किया था और इस वाक्य ने यूरोपियों के लिए अमेरिका में नौ आबादियात के क्याम का दरवाज़ा खोला और आलमी तजारत में एक नए दौर का आगाज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यूरोपियों की आमद ने अमेरिका में मकामी आबादियों के ऊपर क्या असर डाला था। यूरोपियों की आमद ने मकामी आबादियों पर मुहलिक असर डाला, बीमारियां जिस तरह से चीचक है इसके फैलने से बड़ी तादाद में मकामी लोग हलाक हुए थे। इसके अलावा यूरोपियों ने मकामी आबादियों को गुलाम बनाया और उनकी सकाफत को दबाया, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कदीम ज़माने से 1492 तक इब्तदाई तहजीबें और आलमी तरक्की, इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से जोग्राफी खसूसियात ने इब्तदाई तहजीबों के अरूज में मामन साबित यानी कि हुई थी। तो इब्तदाई तहजीबों के अरूज में जरखेज ज़मीन खासतौर पर दरियाओं के करीब ज़मीनें थी, ये मामन साबित हुई थी। दरिया नील, दुजला और फरात, इंडस जैसे दरियाओं ने ज़राअत की तरक्की में मदद की थी। देन हमने डिस्कस किया कि कदीम तहजीबों ने समाजी ढांचे और तहरीरी निज़ाम को कैसे तरक्की दी। तो कदीम तहजीबों ने समाजी जो ढांचा था उसकी तरक्की के लिए तबकात कायम किए, जैसा कि हुक्मरान, काश्तकार, कारीगर। तहरीरी निज़ाम ने इन्हें इंतजामी अमूर में, तिजारत में, सकाफती रिकॉर्ड को महफूज करने में मदद फराम की थी। कौन सी सल्तनतें इल्म और सकाफत को फैलाने में मुतासर कौन थी, हमने डिस्कस किया कि मशहूर सल्तनतें थीं जैसे रूमी, फारसी, इस्लामी सल्तनतें इल्म, सकाफत और टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाने में अहम किरदार अदा करती थी। देन हमने डिस्कस किया कि सिल्क रोड ने मशरक और मगरब के दरमियान सकाफती तबादले में किस तरह से मदद की थी। सिल्क रोड ने मशरक और मगरब के दरमियान तजारत के जरिए सकाफती, मजहबी और इल्मी ख्यालात का तबादला किया जिससे दोनों सकाफतों की तरक्की हुई। यूरोप में वस्ते अहद और फ्यूडलिज्म का निज़ाम क्या था, फ्यूडलिज्म निज़ाम की खसूसियात क्या थी। फ्यूडलिज्म निज़ाम के अंदर ज़मीन की मलकियत और ताकत की बुनियाद के ऊपर मशरती तबके कायम थे। लॉर्ड्स ने ज़मीनें रखी और किसानों ने उनकी ज़मीनों के ऊपर काम किया, बदले में उन्हें तहफ़ फराम किया जाता था। स्लेबी जंगों ने यूरोप और मशरक के दरमियान सकाफती तबादलों के ऊपर क्या असर डाला था, हमने डिस्कस किया कि स्लेबी जंगों ने यूरोप और मशरक के दरमियान सकाफती तबादले को बढ़ाया और यूरोपियों ने मशरक सकाफत, इल्म और टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर अपने मुआशरों में तब्दीलियाँ की। ठीक है, हमने पॉइंट टू डिस्कस किया था यूरोपियों की आमद और उनके एक्सप्लोरेशन का पीरियड जो कि 1492 से 1606 तक था। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इक्तसादी अवामिल ने यूरोपीय ममालिक को नए तजारती रास्तों की तलाश के ऊपर मजबूर किया था। तो हम यह कह सकते हैं कि यूरोपीय ममालिक ने नए तजारती रास्तों की तलाश की ताकि मशरक़ी अजनास, खासतौर पर मिसाला जात और बाकी जो कीमती सामान था तो इस सामान तक बर रास्त रसाई हासिल की जा सके। इसके अलावा वस्ता और इसके अलावा एजेंटों के जरिए तजारत की ज़्यादा कीमतों से बचने का मकसद भी एक था। मजहबी मकासद ने यूरोपी तलाश के ऊपर किस तरह से असर डाला। यूरोपीय ममालिक खासतौर पर हिस्पानिया और पुर्तगाली ने नए इलाकों में मसीहत फैलाने की ख्वाहिश की
से मुतासर होकर यानी कि तलाश की थी, यानी वो सब लोगों को ईसाई बनाना चाहती थी ताकि वो मकामी आबादियों को ईसाइयत कबूल करने के लिए तैयार कर सकें। और उसके बाद एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज हमने डिस्कस की कि क्रिस्टोफर कोलम्बस के 1492 के सफ़र का बुनियादी मकसद क्या था। तो क्रिस्टोफर कोलम्बस का 1492 का सफ़र एशिया के लिए मगरब की जानब एक नए रास्ते की तलाश था, मगर वो यानी बजाय इसके के कैरिबियन जज़ायर तक पहुँचा जिसने अमेरिका की दरियाफ्त का आगाज किया। देन हमने डिस्कस किया कि पुर्तगाली मलाहों ने तलाश के दौर में किस तरह से हिस्सा डाला था। तो पुर्तगाली मलाह जैसा कि वास्को डी गामा, उन्होंने अफ्रीका के गिर सफर करके हिंदुस्तान तक बरह रास्त समंदर रास्ते दरियाफ्त किए, जिससे यूरोपीय तजारत में नए मौके पैदा हुए। नौबादियात का क्याम और रेवलरीज जो थी, यानी टोडेसेल के माहदे ने नौबादियाती दावों पर क्या असर डाला। उन्होंने डिस्कस किया कि टोडेसेल के माहदे ने हस्पानवी और पुर्तगाली ताकतों के दरमियान नई दुनिया में जमीन की तकसीम का तयन किया था, जिसने उन्हें अपने नौबादियाती दावों की हिफाजत की इजाज़त दी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कौन से यूरोपी ताकतें 1600 की दहाई के आगाज में हिस्पानवी और पुर्तगाली तसल्लुत को चैलेंज करने लगी थी। तो 1600 की दहाई के आगाज में इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड जैसे यूरोपीय ममालिक ने हस्पानवी और पुर्तगाली तसल्लुत को चैलेंज करना शुरू किया था, खासतौर पर समंदरी तजारत में। बरतानवी तसल्लुत की तरफ मुंतकिली यानी इंग्लैंड की बढ़ती बहरी ताकत क्या थी। 1588 में हस्पानवी बाजों की शिकस्त की अहमियत क्या थी। तो 1588 में हस्पानवी बाजों की शिकस्त ने इंग्लैंड को एक मजबूत बहरी ताकत के तौर पर उभरते हुए दिखाया और हस्पानवी तसल्लुत को कमजोर किया, जिसने यूरोप में ताकत के तवाजुन को तब्दील किया था। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया पॉइंट के इस दौर में इंग्लैंड की तिजारत और नौआबादियाती कोशों में कैसे तोसी हुई थी। इंग्लैंड ने मशरकी हिंदुस्तान की कंपनी कायम की और नौआबादियात की क्याम में दिलचस्पी बढ़ाई, जैसे कि जेम्स टाउन है जिसने उसकी तजारती तोसी में मदद की। आलमी बरतानवी असर रसूख की तरह मुंतकिली 1606 में जेम्स टाउन कॉलोनी के क्याम की अहमियत क्या थी। जेम्स टाउन कॉलोनी का क्याम इंग्लैंड की पहले मुस्तकिल नौआबादी की हैसियत से अहमियत रखता है। ठीक है, जो शुमाली अमेरिका में बरतानवी तसल्लुत की बुनियाद रखी। मशरकी हिंदुस्तानी कंपनी ने बरतानवी मफादात के ऊपर किस तरह असर डाला था। मशरकी हिंदुस्तान कंपनी ने बरतानवी तजारत को मजबूत किया, हिंदुस्तान में बरतानवी असर रसूख को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, तो जिसने बरतानवी नौआबादी निज़ाम की तरक्की की राह हमवार की। एंड लास्ट पे जो कंक्लूजन था हमारा कि दी डॉन ऑफ द न्यू एरा, एक नए दौर का आगाज कदीम ज़माने से 1606 तक क्या तब्दीलियाँ आई। हमने इसमें डिस्कस किया कि कदीम ज़माने से 1606 तक ज़मीन की तकसीम, सकाफती तबादले, नए तजारती रास्तों की तलाश ने आलमी तारीख में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की, जैसे नए माशरती इकतसादी निज़ाम का आगाज हुआ। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यूरोपी तलाश ने मुस्तबिल के नौआबादियाती हरीफों के लिए किस तरह से ज़मीन हमवार की। तो यूरोपी तलाश ने नई दुनिया की दरियाफ्त, मकामी आबादियों के साथ रबते, नए तजारती रास्तों की तलाश के जरिए मुस्तबिल के नौआबादियाती हरीफों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया, जिसने दुनिया में ताकत की जंग का आगाज किया। तो हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन यानी हिस्ट्री ऑफ द यूएसए का, और इसमें पॉइंट डिस्कस किए कि कदीम ज़माने से 1492 तक और यूरोपियों के अमल से बरतानवी तसल्लुत तक, जो कि 1492 से 1606 तक था। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।